तो चलें ठीक है, एक बार इसकी रिकॉर्डिंग भी ठीक है। हमने लास्ट टाइम यही पढ़ा था कि एक हमारा अप ट्रेंड होता है, एक डाउन डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, अब मैं आपको इस दूसरे टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब ये हमारा ये अप ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, आप इसको हाई लो कुछ भी ना देखें, आप ये देखें कि मेरे एरोज को देखें, ये आपको ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते के जा आप ही रहा है। ठीक है, यहाँ से भी ये देखें, ये अब यहाँ से भी अब 1-1.5 महीना इसने आपको बुलिश ट्रेंड दिया है। और ये वाला मूव देखें, ये वाला अब इसका डाउन ट्रेंड था, ये ऊपर से लेके नीचे तक देखें, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। ठीक है, ये देखिए, ये डाउन ये डाउन ये डाउन ये। ठीक है, तो हम कुछ आपको ऐसी टेक्निक्स भी बताएंगे कि आपको डाउन ट्रेंड में भी हम आपको, अगर आप फर्ज करें जैसे ये बूम है, इनको आप बाय करते हैं। अच्छा, दो लोग ऐसे भी हैं, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता कि इसकी बाइंग एंड सेलिंग, कौन से पेयर्स की सिर्फ बाइंग करनी है, कौन से पेयर्स की सिर्फ सेलिंग करनी है। तो ये जो बूम वाले जितने पेयर्स हैं ना, ये कोर्ट्स में देख लें, ये बूम 1000 हो गया, बूम 5, बूम वाले जितने भी पेयर्स हैं इनकी आपने सिर्फ बाइंग करनी है। क्योंकि ये बूम आपको, ये देखें जितना ये 1 मिनट में डाउन आएगा ना, ये देखें कितने मिनट ये डाउन आया, इधर 25 मिनट डाउन आया, 30 मिनट, उतना उसने आपको 1 मिनट में अप दे दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन था, 1 मिनट में वो अप आ गया, दूसरे मिनट में और अप चला गया। तो अगर आप यहाँ से फर्ज करें इधर से सेल करेंगे, तो ये आपको कोई 1.5 घंटा लगा के तो $4-5 देगा, और बाय में वो आपको 1 मिनट में $2-3 दे देगा उस लॉट से। तो जो बूम वाले पेयर हैं आपने सिर्फ उनकी बाइंग करनी है, और जो क्रैश वाले पेयर हैं वो क्रैश जिस तरह वो क्रैश जल्दी होते हैं और अप वो आराम आराम से जाते हैं, सॉरी, तो आपने उनकी सिर्फ सेलिंग करनी है। क्या आ रहा है बार बार चार्ट की तरह इस पे, ये रहा, ये देखें आपको M1 में नजर आएगा कि वो देखिए वो अप, जो क्रैश वाले पेयर्स हैं वो अप आराम आराम से जाएंगे। ठीक है, और जो डाउन आएंगे तो वो 1 मिनट में इतना डाउन आ जाएगा जितना वो आधे घंटे में 40 मिनट में अप गए थे। ये 1 मिनट की एक हैंडल है। देखिए, अगर आपने यहाँ से बाइंग की भी थी तो वो ऊपर जाते जाते 1 मिनट की एक कैंडल है, उसने आपको 50-60 मिनट में बाइंग दिया इतनी सी, और 1 मिनट में उसने आपको इतनी सेल दे दी। तो आपने इनको सेल करना है और बूम वाले पेयर्स को बाय करना है। अब हम आ जाते हैं अपने ट्रेंड की तरफ, जो हम पढ़ रहे थे, इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में वो कर सकते हैं। आप D1 में देखेंगे तो आपको ये अप नजर आएगा। ठीक है, तो आपने उन्हीं टाइम फ्रेम को कंसिडर करना जो हमारे लिए आइडियल है। M30 हो गया, H1 हो गया, H4, तो और D1 जो है, ये बस आपने सुबह उठ के एक नज़र देखनी होती है। जो डेली हम काम करते हैं M15, M30, सॉरी H1, ये दो तीन टाइम फ्रेम में इसी पे हमने अपना जो है वो काम करना होता है। अभी हम कल हमने पढ़ा था, अब जो मैं आपको काम की बात बताने लगा वो आप सब ने अपने पास नोट डाउन कर लेनी है। हमने पढ़ा था कि जब एक एक मार्केट आपकी लो से स्टार्ट होगी, लो से स्टार्ट हुई, यहाँ से एक स्विंग बना के नीचे आई, फिर ये दूसरा स्विंग बना के यहाँ पे आई, तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास ऐसे दो पॉइंट्स होंगे, ये एंगल थोड़ा सा बाहर है लेकिन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, एक लो को दूसरे लो से मिलाने की आपने कोशिश करनी है, ऐसे हो जाए, इस तरह हो जाए, किसी भी वे में हो जाए। ठीक है, अब जो मैं आपको बात बताऊंगी आपने बहुत ध्यान से सुनी। एक हमारी ट्रेंड 9 लगी, अब हुआ क्या, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये लो बना, ये हाई, ये हायर लो, और ये हायर हाई, फिर ये हायर लो। नवीद भाई बहुत लेट आ रहे हैं, ठहरे, इनको भी कंसीडर कर लें पार्टिसिपेंट्स। सर ट्रेंड लाइन M5 में, वो M1 में भी वैलिड होती है भाई। सर जी बैक स्क्रीन को वाइट कर दें अगर पॉसिबल है तो, ब्लैक है ये मेरी स्क्रीन, आपको दिख रही है सबको, जो जो अभी मैं जो जो आपको दिखा रहा था। एक भाई बहन मुझे यस बोल देता कि मुझे आइडिया हो जाए कि सबको दिख रही है। जी यस, तो मंसूर भी आपको क्यों नहीं दिख रही, सबको नजर आ रही है।
बैग, ये वाली बैग की बात कर रहे हैं? अच्छा, वो मेरे ख्याल से इधर से मेरा डार्क मोड ऑन है, ये कहाँ से ठीक होगा? ये ले, ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी? क्लियर नजर आ रहा है सबको? मेरा तो खराब है इधर, जो वाइट स्क्रीन है। रोहान भट्ट, चलें ठीक है, ओवर टू आवर लेक्चर जहाँ पे हम थे, तो हम बात ये कर रहे थे, ये मुझे वाइट में समझ नहीं आ रही, मैं फिलहाल इसको ब्लैक कर रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग में ना आपको सही समझ आ जाएगी, असल में मुझे इसमें ठीक से नजर आती है। तो हम बात ये कर रहे थे कि अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये आपने बहुत ध्यान से सुना, आज का जो हमारा बेसिकली जो लेक्चर का नाम है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ पे होता है, जब ये आपका फर्स्ट टच आया, ठीक है, फिर इसने एक लो बनाया और फिर ये अप गया और फिर ये सेकंड अपना इज अ स्विंग बना कंप्लीट किया और थर्ड टच के ऊपर आया, तो आपने ये चीज देखा, जो आपका जो फर्स्ट वाला जो आपका ये जो ये वाला पॉइंट था, ये किसी पॉइंट ने इधर ब्रेक किया या नहीं, ठीक है। इसकी तीन से चार टाइप्स होती हैं, मैं इधर एक लाइन लगा के आपको, ये वाला पॉइंट था, इस वाले पॉइंट को ये ऐसे लाइन लगाएं, लाइन ना भी लगाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट था, ये इसने एक लिक्विडिटी के साथ अपवर्ड ब्रेक किया और फिर आपको यहाँ पे एक थर्ड टच दिया, ठीक है। फर्स्ट टच इसका ये था, सेकंड टच इसका ये था और थर्ड टच ये है, इसका जो आपका फर्स्ट हाई है वो ये है, फर्स्ट हाई को नेक्स्ट मूव ने अपवर्ड ब्रेक किया हुआ है, इसको इस पॉइंट को कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो ये वाला पॉइंट है। अगर ये वाला पॉइंट ब्रेक हो गया ना, तो आपकी ट्रेंड लाइन तब वैलिड है। अगर ये पॉइंट फर्ज करें इधर से ही नीचे आ जाता है और इधर एक थर्ड टच देता है, तो आपकी टीएल वैलिड नहीं होगी। वैलिड टीएल में एक स्ट्रक्चर का ब्रेक होना लाजमी है। फर्ज करें या यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ये वाला अब आपका हाई है, ये ब्रेक होगा तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और फिर आप नेक्स्ट एंट्री कोई ना कोई फोर्थ टच के ऊपर फाइंड करेंगे, ठीक है। और अभी कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये चूंकि यहाँ से नीचे आ गया तो इसका ऐसा हो गया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। आज के इस टॉपिक पे मैं आपको यही दो चीजें बताऊंगा कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, और अगर आप एंट्री ले रहे हैं टीएल के थर्ड टच पे या कोई एविडेंस देके, फर्ज करें कि आप समझते हैं कि ये आपको दो एविडेंस छोटे मिले थे, आपने कहा मैं यहाँ से एंट्री ले लेता हूँ, तो इसका असल क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेंड लाइन यहाँ से नीचे टूट जाए तो आपका जो है ब्रेकआउट हो जाएगा ट्रेंड लाइन का, ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपका ब्रेकआउट कहाँ पे होगा। जो आपका ये जो सेकंड ये वाला ये पॉइंट है ना, ये वाला, जब तक ये वाला पॉइंट नीचे ब्रेक नहीं होगा, ये वाला, तब तक आपका जो ब्रेकआउट है वो डाउनवर्ड नहीं होगा। जब तक मार्केट इस सेकंड पॉइंट के ऊपर ऊपर है, तब तक आपकी मार्केट बाय स्ट्रक्चर में ही है। ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। ये दोनों बातें आपने अच्छे से सीख लेनी, जिसको नहीं समझ आए ना कि अब ये वाला जो पॉइंट है, जब तक ये वाला जो ये वाला पॉइंट है ये नीचे ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपकी मार्केट सेल ट्रेंड में नहीं जाएगी। जब तक इसके ऊपर हो सकता है ये यहाँ से आए और फिर आपका अपवर्ड चली जाए, ठीक है। आप आगे कई एग्जांपल्स आप देखेंगे, आपको ऐसे भी मिलेगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, विदाउट एविडेंस एंट्री ले लेते हैं, कुछ लोग एक एंट्री यहाँ से लेंगे फिर कोशिश करेंगे बीच में से लें, फिर कोशिश करेंगे यहाँ से लें, ठीक है। तो वो इस तरह करते हैं, जिनकी बड़ी इक्विटी है वो ट्रेंड लाइंस को इस तरह हैंडल करते हैं, जिनकी छोटी इक्विटी है उन्होंने एविडेंस को दे के ही ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना। लेकिन जब इसका ये थर्ड टच चलता है ना, मोस्टली आपको 90% ये यहाँ से अच्छी एंट्री दे देगा, या भी किसी ना किसी वजह से यहाँ से नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब भी आपको एक अच्छी ट्रेंड लाइन मिल जाएगी थर्ड टच से आप उठाएंगे, तो यहाँ से ये यूं आपको इतना बड़ा मूव देगा, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो आप लेना इसको जरूर कैश करना। ये दो चीजें आपने लाजमी समझ लेनी है। देखिए, ये हमारा पहला स्विंग था, ये यहाँ से लेके यूं, जब दूसरा स्विंग हमारा स्टार्ट हुआ ना, तो उसने पहले के हाई को ब्रेक किया, ये देखिए ये पहले का हाई था, पहले स्विंग का, ये अपवर्ड ब्रेक हुआ,
तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये जैसी जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और मार्केट आपके इस टच पे आई, तो आपकी ट्रेंड लाइन वैलिड हो गई। फर्ज कर रही इधर से ऊपर निकल जाती है तो गई आपकी ट्रेंड लाइन, ठीक है। इतना ज्यादा गैप नहीं होगा, एक एक हाई आपका ये है, दूसरा ये है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके यूं 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 करती, वो 100 पॉइंट ऊपर चली गई फिर नीचे आए तो फिर आपके यहाँ थर्ड टच है, नहीं ऐसा भी नहीं हो, ठीक है। तो हम इसको चैनल बनाने की भी कोशिश करते हैं, अगर ये बन जाता है तो इस तरह के एक चैनल में जो है वो आपकी फिलहाल मार्केट मूव कर रही है। अब जब भी ये फर्ज करे इधर से आपका एसएल नहीं करता और वो आपका ऊपर आएगा, तो आपका ये इस टीएल के ऊपर लाजमी टच करेगा और आपका जो स्विंग है वो पूरा करेगा, ठीक है। इन केस अगर ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे नहीं आता, आपका एसएल नहीं होता, तो अभी इस जो मैंने आपको जो ये बताई है, जो कंटेंट बताया, ये दोनों इसको अच्छे से समझने के लिए बुलिश में, ठीक है, बेशक अपने पास लिख लें, जो आपका पहला स्विंग होगा इसको मार्केट जब ऊपर जाएगी, पहले का स्विंग का हाई ब्रेक करेगी बॉडी के साथ। अच्छा, इसकी टाइप्स भी चार होती हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, या वो हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, उसकी मैं एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी चार टाइप्स होती हैं। एक होगा आपका विक टू बॉडी, एक होगा विक टू विक, एक बॉडी टू विक और एक बॉडी टू बॉडी, ठीक है। वो इस तरह आपने इसको ट्रेंड लाइन को अपने साथ लेके चलना है, ठीक है। अभी आपके कोई इसी दौरान के क्वेश्चंस वगैरह हैं, मैं जूम पे आ दूंगा, मेरे से पूछ सकते हैं, हम 2 मिनट के बाद वापस चार्ट के ऊपर आ जाएंगे, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन जो है वो साइड बाय साइड, 5 सवाल आ चुके हैं आपके, क्लियर है सर। अगेन रिवाइज कर दें, बॉस को रिपीट करें प्लीज, ठीक है। स्विंग वाली बात समझ नहीं आई, ठीक है, ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसीलिए मैं इतना ज्यादा ज्यादा पढ़ा नहीं रहा, ताकि वो आपकी चीजें, ये मैं सारा इधर से करता हूँ डिलीट एक बार, ताकि आप अच्छे से आइडिया हो जाए। मैं प्रीवियस कुछ देख रहा हूँ कि प्रीवियस ऐसा मुझे मिले ना जो दरवाजा, 1 मिनट बंद कर दीजिए। तो अभी आप इसको कंसीडर कर लें, ठीक है, ये आप देखें, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन लगी है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो ये आपको और भी अच्छा दे देगा, क्योंकि वो मुझे ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होती है, मैंने बड़ा टाइम फ्रेम चूज किया। यहाँ से अगर आप लगाते हैं इसको, कि आप कहते हैं कि यहाँ से मेरा एक स्विंग स्टार्ट है, इसको पीछे से भी काट सकते हैं अगर वो कहीं मैच हो रहा है। आपने बेसिकली दो लोज को मिलाना है और तीसरे लो से, ये जैसे ये एक ये लो हो गया, एक ये लो हो गया और एक ये लो हो गया, ठीक है। आपने दो लोस को मिलाना होता है और तीसरे लो से एंट्री को उठाना होता है, और जो दूसरे का हाई है वहां पे आपने अपनी टीपी करानी होती है। ये देखिए, ये आपका पहला स्विंग है, पूरा यहाँ से शुरू हुआ स्विंग। ये कब बनता, जब वो आपको पूरा, जैसे अगर बुलिश में आप जा रहे हैं तो वो नीचे से उठा के ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, फिर दूसरा बनाएगा, जैसे ये यू टाइप शेप होता है बुलिश में, ये आपका पूरा एक स्विंग होता है, और वो जो सेलिंग में वो आपका इस तरह सीधा सीधा यू होता है इस तरह, ठीक है। तो अब आप इसको अगर देखें ऐसे, तो ये आपका एक स्विंग है, ये इसका हाई है,
अब दूसरे स्विंग की एक कैंडल ने इसका हाई यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और वापस इधर आया, ठीक है। तो आपके तीसरे टच पे इसने आपको ये इन्वर्टेड हैमर दिया। इन्वर्टेड हैमर हमारी बेसिकली सपोर्ट के ऊपर एक बाय की निशानदेही होती है कि वो आपको बाय का वो देगा, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर अगर आप बन गया तो आप इसके नीचे लगाएंगे अपना SL, और जो आपका TP होगा ये वाला सेकंड जो हाई था ये वाला आपका TP होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये थर्ड टच पे इसने आपको इन्वर्टेड हैमर दिया और आपका SL ये वाला पॉइंट था, ठीक है। ये वाला जो एरो है ये मैं इसको यूं कर देता हूँ। अब जिसने बाय करना था उसने यहाँ से बाय किया और मैं एक और एरो लगा देता हूँ, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका ये है, ये वाली जगह, ये वाली कैंडल ने इसको अच्छी लिक्विडिटी के साथ तोड़ा। आपका जो पहला हाई था जब ये टूट गया तो आप, और जब ये नीचे थर्ड टच पे आ गई तो आपकी ट्रेंड लाइन एक्टिव हो गई और वैलिड हो गई। यहाँ पे अब आप कुछ भी देख के एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे ये सेल पे सेल आ रहा था, यहाँ पे इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, आपने इसके बाद अपनी एंट्री लेनी और आपकी पहली जो TP होगी वो ये है। ऊपर आप जितना चाहे ले सकते हैं, ऊपर इसने सेकेंड हाई को तोड़ के ऊपर जाना ही जाना होता। अब इसने यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा वेट कराया, थोड़ा तंग, कभी कभी मार्केट झटकों में चली जाती है, कुछ सेकंड में चली जाती है, कुछ मिनटों में चली जाती है। लेकिन ये देखिए, ये इसने आपको इधर 2-3 घंटे परेशान किया और फिर आपको SL नहीं किया आपका, फिर आपको आपका बूम जो है वो दे दिया। फिर अब आपके ऊपर, अब फिर क्या हुआ कि अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब ये था कि अब ये हमारा थर्ड टच था ये वाला, ठीक है। अब ये जब मार्केट ऊपर आई वापस, अब ये हमारा फोर्थ टच था। प्रीवियस वाले का SL हमारा ये वाला बनता था, इसका SL हमारा ये वाला पॉइंट बनता था। जो आपका प्रीवियस पॉइंट होगा ना एंट्री का, जो आपका जहाँ से प्रीवियस उठी होगी वही आपका SL होगा। अब लास्ट ये जो फोर्थ आपकी अटेम्प्ट है इसका SL आपका ये था, ये मार्केट नीचे आई, इधर इसने आपको एक बाय की कैंडल दी। अब यहाँ से आपने अगेन बाय करना था और आपकी TP आपकी ये थी। अब आप यहाँ पे मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कितने हैं। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है, ये वाला, ये जो ये पॉइंट है, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये देखिए ये है, जहां जहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा इसका मतलब है कि आपके बायर्स एक्टिव हैं, कि उन्होंने पिछले आपके हाई को ब्रेक कर दिया है। और ये देखें, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका ये है, ये सारे आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और वो देखो जब तक होता रहा मार्केट आपकी बुलिश पे बुलिश जाती रही, ठीक है। अब एक जगह पे आके आपकी यकीन ट्रेंड लाइन खत्म हो गया। आपने थर्ड और फोर्थ टच को बस वो करना है बहुत ज्यादा। ये देखे जब वो आपके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आई ना फिफ्थ टच पे, वो फिर उसको ब्रेक कर गया और फिर उसने बेरिश स्टार्ट कर दिया। तो आपने जब भी कंसिडर करना है आपने थर्ड एंड फोर्थ टच को ही करना है, ठीक है। आपने सारे ये नहीं कि 6-7 पे, वो फिर बहुत ज्यादा ना रिस्की हो जाता है आपका। थर्ड और फोर्थ टच आपका आइडियल होता है और वही आपको अच्छा मूव भी देता है। हम देखते हैं राइट नाउ जो हम ड्रॉ कर रहे थे M5 वाले टाइम फ्रेम पे, उसने आपको यहाँ पे कुछ दिया है या नहीं, ठीक है। ये देखिए वो अभी तक उसने ना आपका SL नहीं किया। जो ट्रेंड लाइन अभी लाइव चार्ट में आपको बता देता हूँ, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये वाली, ये हमारा, आप इधर आगे भाई साहब एरो एक लगा लेते हैं, गौर से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट लो, ये ऊपर से आके ये इसका टॉप, और ये इसने नीचे किया, यहाँ इसने दूसरा स्विंग बनाया और ये जब नीचे आया, दूसरे स्विंग की एक कैंडल ने जो पहला स्विंग था उसका हाई ब्रेक किया। ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपके बायर्स एक्टिव हैं। ये आपकी ट्रेंड लाइन का आया थर्ड टच, कुछ लोग यहाँ से लेते हैं एंट्री। इसका SL ये होगा, चूंकि थोड़ा दूर है इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान करना है, ठीक है। सम टाइम आपको थर्ड टच ही अच्छा मूव मिल जाता है, मैंने आपको प्रीवियस चार्ट में दिखाया भी है, ठीक है। अभी तक इसका SL नहीं हुआ, ठीक है। आपका SL ये जो ये वाला पॉइंट है ना 10893, ये वाला पॉइंट आपका SL है इस एंट्री का जो इसको लेगा, और अभी तक वो उसके बीच में है, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ भी बाय, जब ये एक बाय की कैंडल मिली है, हो सकता है कि अभी 2-4 कैंडल के बाद ये इधर ऊपर आ जाए, तो जब भी ऊपर आएगा इसकी TP ये वाला ब्रेक करेगा तो ये हाई होगी, और फिर हो सकता है इस फोर्थ टच पे अगेन आपको एंट्री मिले ऊपर की तरफ और मार्केट बाय ट्रेंड अपना स्टार्ट कर दे।
अगर ये वाला पॉइंट डाउनवर्ड्स ब्रेक होगा लिक्विडिटी के साथ, बॉडी के साथ, तो आपका जो है सेल ट्रेंड्स, बीरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप बाय की एंट्री नहीं लेंगे। तो ये बेसिकली आपकी ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अभी मैं जूम पे वापस आती हूँ, मैं देखूँ अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं और जिन लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो मुझे बता सकते हैं। बट असल तो सेकंड स्विंग का लो वो ही है आपका, सेकंड स्विंग का लो ही असल है। अगर आप उसमें थर्ड स्विंग पे आप आएंगे और फिर फोर टच पे आप वो करेंगे तो फिर थर्ड का लो आपका असल हो जाएगा, तो सेकंड वाला तो नहीं लेगा, वो फिर शिफ्ट होता जाएगा ना आगे। वीक टू बॉडी भी ले सकते, वो आपको मैं कल लाइव चार्ट में समझाऊंगा, मैं वो 10 चीजें आपको इकट्ठी तो नहीं समझा सकता, ठीक है? वो मैं कल उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा इंशाल्लाह आपको। और इस पर भी अगर आपके मजीद कोई आप चाहते हैं आपको क्लियर करूँ, शहजाद भी आपको क्लियर नहीं हुआ अभी तक, मैंने यही बताया कि ऐसा आपको जो सेकंड स्विंग का लो है वही होगा, जहां से आपका सेकंड स्विंग स्टार्ट होता है वो वाला। इसकी टीपी क्या होगी? टीपी मैंने आपको बताई है कि जो सेकंड का हाई है वो ऊपर ब्रेक करेगा, वही उसकी टीपी होगी। मजीद आप लोगों के क्वेश्चन है तो साथ साथ पूछें, और ताकि फिर हम उसको आगे एक दफा दोबारा देखें। और रोहान बट आप कौन, आपको क्लियर नहीं हुआ अभी तक, किसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये चीज अभी क्लियर नहीं हुई? बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, बट पिछली एग्जाम्पल में आपका TL के नीचे SL बता रहे थे। नहीं, वो शायद मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, प्रीवियस में ठहरे, वो M15 का चार्ट था और दो दो इन्वर्टेड हैमर M15 में, मेरे ख्याल से इसको आप जाना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रीवियस, ठीक आवाज नहीं आ रही, नहीं मैं बोल ही नहीं रहा था वो, बस
कहानी, वो बहुत चीज मैं आपको बताने लगी, ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम आपका सेकंड टच तो वो नहीं रहेगा ना। अब देखिए जैसे ये है, जब आप थर्ड टच पे एंट्री ले रहे हैं ना, थर्ड टच पे एस एल आपका ये वाला पॉइंट जो सेकंड का लो है, जब आप फोर्थ टच पे एंट्री ले रहे हो ना, जैसे फर्ज करो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब ये फोर्थ टच है, ठीक है, तो जो प्रीवियस जो लो आपके इस पे होगा ना, जैसे ये वाला पॉइंट है या ये वाला कंसिडर कर लीजिए, ये आपका एसएल ये वाला पॉइंट है, वो भी बहुत नीचे चला गया, आपके पॉइंट्स आगे आगे जैसे जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा आपके पॉइंट्स आगे शिफ्ट होते जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब आप फिफ्थ टच पे एंट्री ले रहे हो और एसएल आपका ये है, फिर तो एसएल और आपकी फिफ्थ टच में 100 पिप्स का फासला आ जाएगा, तो जैसे जैसे आपके ये आगे बढ़ता जाएगा ये वाले पॉइंट्स भी आपके शिफ्ट होते जाएंगे, ठीक है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अब जैसे फर्ज करें ये ब्रेक होता, अगर जैसे आपका थर्ड कौन सा है, ठीक है, एक आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ रिसेंट लो आपका ये वाला जो पहला वो ये वाला कंसिडर होगा, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया कि इसको नीचे ब्रेक नहीं किया बल्कि इधर से विक बना के आपको एक ग्रीन कैंडल दे के वापिस लाइन के ऊपर आ गया, और आपको ये शो किया कि बायर्स अगेन एक्टिव है, ये ऊपर आपका हाई ये था, यहाँ से आपने करना है बाय, इसके नीचे लगाने आपने एसएल, और ये ऊपर जो मैंने लाइन लगाई है ये रखनी है आपने टीपी, और वो देखिए उसने आगे आपको जो है वो 50 पॉइंट्स की टीपी आपको दे दी। तो दिन में ना आपको ये टीएल के ऊपर इस तरह की कई कैंडल्स जो है वो आपको देगा, और आपको एक दिन में ये ट्रेंड लाइन के एक दो लाजमी वो पैटर्न देगा जिसपे आप 60 to 80 पिप्स आराम से जो है वो मार्केट से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इस पे कितने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुए हैं, एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, फिर मार्केट जब ये आपका नेक्स्ट हाई ये था, फिर इधर से उठी इसको ऊपर ब्रेक किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है बायर्स एक्टिव है फिलहाल, फिर ये आपका ये हाई था, फिर यहाँ से उठा ये ब्रेक किया, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो अब ये फोर्थ फिफ्थ टच हो गया, और वो देखें उसके बाद मार्केट वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, और जब उस पॉइंट पे अगेन आई तो यहाँ पे भी इसने ना आपको ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन एक टीएल के ऊपर इतने ज्यादा टच हो ना तो वो वीक होती जाती है, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम पढ़ते हैं कि वो 4-5 टचेस के बाद वो ज्यादा वीक हो जाती है, अपना उसको वो ब्रेक कर जाती है, ब्रेक ऑफ अपना ब्रेकआउट कर देती है, उसी तरह ट्रेंड लाइन का भी हिसाब, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने आपको ना वो एक हेड एंड शोल्डर टाइप ये पैटर्न भी दिया हुआ, ठीक है, ये देखे ये वाला, इसलिए वो फिर यहाँ से कोलैप्स करके नीचे आ गई। तो आपने कंसीडर थर्ड एंड फोर्थ टच को ही करना, थर्ड को करेंगे तो अच्छा रहेगा, दिन में आपको एक आधा पैटर्न लाजमी मिल जाएगा। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस पे बता सकते हैं किसी का भी। अब लोगों को मेरी आवाज आ रही, जी सर आवाज आ रही, तो अब आप लोग मुझे बताएं कोई आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है, शहजाद भी स्पेशली आप या बाकी सब जितने लोग हैं, अगर आपको समझ नहीं आए तो सर जैसे ही बॉस होता रहेगा हायर लो हमारा, हाँ जी जो प्रीवियस लो है वो आपका जो है उस पे स्टॉप लॉस आप उस पे रखेंगे, और उस पे मैं आपको ना ये पीटीए वाले क्या करें, ठीक है, उस पे ना मैं आपको एक वीडियो भी बना दूंगा रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह, तो वो चीज़ें आपको ना साइड बाय साइड क्लियर होती रहेंगी यहाँ पे। जी सर क्लियर, ठीक हो गया, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे बता सकता है, मेरे इनबॉक्स में भी आ सकता है, ग्रुप में भी बता सकता है, ठीक है, और इंशाल्लाह सेशंस करते रहेंगे, ये एक बार नहीं होगा, ये हम बार बार इस पे करेंगे ताकि जो नए लोग हैं उनको अच्छी ग्रिप हो। और आपकी असाइनमेंट पता है क्या है, आपने एनालिसिस तो सेंड करने या प्रीवियस मार्केट के, ये आपकी वो आपकी असाइनमेंट होगी, जो जिसको लाइव वो मिलेगा और वो ग्रुप में बताएगा कि सर या मैम हमने को बताएगा ग्रुप में या तैमूर भाई को कि मुझे ये मिल रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं, और जब वो लगेगा तो आपको खुद फील होगा कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ, उस पर आप डेमो पे ट्रेड भी करें और मुझे अपना स्क्रीनशॉट भी दिखाएं कि हमने ये डेमो पे ट्रेड ली थी, ये हमारा एसएल था, ये हमारी टीपी हिट करवानी है, आपने अपने पैटर्न से ट्रेड को मूव करवाना, ये आपका टास्क है, और ये आप लोगों ने जो रियल पे है रियल पे मुझे करके दिखाएंगे, डेमो वाले डेमो पे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी था, अगर आप अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, और अरसलान भी अब आप रिकॉर्डिंग बेशक ऑफ करके अपने पास सेव कर लें, और वो किसी तरीके से मुझे भेज दीजिएगा, या फिर
असाइनमेंट क्या होगी? असाइनमेंट यही होगी आपकी कि आपने प्रीवियस